नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों में। सरकार और किसानों में आज फिर बातचीत। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होनी है चर्चा। कल किसानों ने निकाली थी ट्रैक्टर रैली। कोरोना वैक्सीनेशन से पहले आज सबसे बड़ी रिहर्सल। देश के 736 जिलों में 60 ड्राई रन। अगले हफ्ते टीकाकरण कार्यक्रम। अखंड नवदा रामायण कार्यक्रम का समापन। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत। बर्ड फ्लू को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट। देश भर के 4 राज्यों को टेस्टिंग के लिए किया गया अलर्ट। चिड़ियों की मौत के मामले आ रहे हैं सामने। कोड़ागांव में मैरिज ब्यूरो की आड़ में जालसाजी। अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़। एमपी के गुना से आरोपी गिरफ्तार। कांकेर में सचिव संघ एवं रोजगार सहायक संघ ने किया यज्ञ। मांगे पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। सीएम बघेल ने झूला के विकास खंड पथरिया में अनुरागी धाम में आयोजित अखंड नवदा रामायण कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बाबा अनुरागी जी की समाधि पर पुष्पांजलि और हवन कुंड में आहुति अर्पित की। प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने अखंड नवदा रामायण समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश संत महात्माओं का देश है। संत महात्माओं के विचारों और उपदेशों में परोपकार की भावना होती है। बाबा अनुरागी के विचारों और उपदेशों में परोपकार की भावना थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि ग्राम मोतिमपुर की धरा में प्रतिवर्ष अखंड नवदा रामायण के माध्यम से बाबा अनुरागी जी को याद किया जा रहा है, जो खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि अनुरागी बाबा की प्रेरणा से विगत वर्ष भी अनुरागी धाम आने का मौका मिला था, इस वर्ष भी आने का मौका मिलेगा। वह ये अनुकरणीय और प्रेरणादायी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि देश भर के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की टेस्टिंग के लिए अलर्ट कर दिया गया है और हमने छत्तीसगढ़ में भी जारी किया है। मंत्री ने कहा कि हिमाचल से लेकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत कुछ राज्यों में बात आ रही है। सारे बॉर्डर स्विच के जिलों को अलर्ट कर दिया गया है कि कृषि विभाग के डिपार्टमेंट से ही चर्चा की गई। अगर कोई ऐसी जानकारी मिले कि तत्काल जानकारी दें, कहीं भी किसी चिड़िया की मौत होने की बात आती है तो उसकी भी जानकारी तुरंत दी जाए। इसके अलावा कोरिया से लेकर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, करवर्धा, राजनाथ गांव और बीजापुर एक लाइन से पूरा बॉर्डर जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। क्योंकि ये हिमाचल से लेके, राजस्थान से लेके, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दक्षिणी भारत के भी कुछ राज्यों में ये बात आ रही है, तो वो सारे बॉर्डर्स के जिलों को हम लोगों ने अलर्ट कर दिया है और कृषि विभाग के वेटनरी डिपार्टमेंट से भी हम लोगों ने चर्चा की है कि आप लोग भी हम लोग को तत्काल जानकारी देंगे कहीं भी बर्ड फ्लू की चिड़ियों में अगर कोई ऐसे मृत होने की संख्या कहीं से भी आती है, तो उन्होंने भी सारे बॉर्डर के जिलों को अलर्ट कर दिया है।
राज्य सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है और सबसे पहले राज्य सरकार के खिलाफ किसानों को लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी है। आगामी 13 जनवरी को विधानसभा स्तर में होने वाले धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तय की गई। भाजपा जिला प्रभारी और बेलतरा विधायक रजनीश सिंह भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल 2500 रुपये में धान खरीदी करने के बजाय उनके साथ छलावा करने का आरोप लगाया और राज्य में फैली लचर व्यवस्था के खिलाफ सरकार को जगाने की तैयारी में है। विधानसभा स्तर पर और जिला स्तर में आंदोलन करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को काम करने के लिए 2 साल का समय दिया है, लेकिन सरकार विकास कार्यों के बजाय घोटाले करने में जुटी है, जिसका विरोध अब सड़क से सदन तक किया जाएगा। देखिए, हम लोग शुरू से ये लग रहा है कि धान खरीदी के नाम पर पिछले वर्ष ये सरकार बहुत बड़ी घोटाला को जन्म दी है और आने वाले समय में इसकी सच्चाई सामने आएगी। वास्तविकता ये है कि सरकार आने के बाद 2 साल में छत्तीसगढ़ का हर वर्ग, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, हर कोई इनसे परेशान है। रेत माफिया, शराब माफिया, कोयला माफिया, इस छत्तीसगढ़ में अपराध बहुत बढ़ गए हैं और किसानों को सबसे बड़ी जो दुखद स्थिति है किसानों के साथ कि किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। दी में जो व्याप्त अव्यवस्था है, बदहाली का आलम है, उन सारे किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 13 जनवरी को, दिन बुधवार को, सभी विधानसभा केंद्रों पर पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्रों में धरना और प्रदर्शन कर रही है और हम उसके माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों को भी उसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं और धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित हो, किसानों को तकलीफ मत हो। गिरदावरी के नाम से जो किसानों की जमीन का रकबा कम किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, उसके मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी नित नए बात कर रहे हैं धान खरीदी के संदर्भ में, कृषि मंत्री जी नितनी बयानबाजी कर रहे हैं। कांकेर जिले के पंगाजोर में सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ का धरना प्रदर्शन जारी है। कई मांगों को लेकर के रोजगार सहायक संघ के सदस्यों ने यज्ञ सरकार के खिलाफ किया। आंदोलन में बैठे लोगों का ये कहना है कि भीख मांगकर जो पैसे इकट्ठा होगा उसे शासन को दिया जाएगा और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस बार बैठा हूँ, साथ में हमारा रोजगार सहायक लोग भी है, उन लोग भी आज आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये वाला? आज हम लोग यज्ञ कर रहा है इसलिए कि हमारी मुख्यमंत्री जी का सद्बुद्धि हो, हमारी मांग को तत्काल पूरा कर दे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हम लोग तो विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जब का होती तो बाद हमारा मांग पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो कल से हम लोग भिक्षा करना चालू करेंगे। जुलाई में कोरोना का टीका लगाए जाने और टीका लगाने के दौरान होने वाली परेशानियों को समझने के लिए मॉक ड्रिल किया गया, जिसका जायजा लेने मानेंद्रगण एसडीएम ने डमी वैक्सीन लगाकर आने वाले दिक्कतों की रिपोर्ट तैयार की। टीकाकरण के लिए 3 कक्ष बनाए गए। ड्राई रन में भंडारण से लेकर वैक्सीन लगाए जाने तक का ट्रायल किया गया। वैक्सीन देने के लिए 3 कक्ष वाले कमरे तैयार किए गए हैं, जहाँ कर्मचारियों की ड्यूटी अलग अलग कमरे में कर्मचारी हेल्थ वर्करों की सूची से मिलान सभी काम किए जाएंगे। वैक्सीन लगाए जाने का ट्रायल किया गया जिससे कि कोई दिक्कत ना हो पाए। वैक्सीन का प्रभाव दोनों ही प्रकार से देखा गया। वैक्सीन के गंभीर प्रतिकूल प्रभाव और हल्के प्रतिकूल प्रभाव होने पर लाभार्थियों को किस तरीके से इलाज मुहैया करवाया जाएगा, इसका रिहर्सल भी किया गया है। के
स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से हमारे कोरिया जिला को अभी सेकंड फेज का जो मॉकड्रिल है, पहले फेज में तो 7 जिलों को चिन्हांकित किया गया था, अभी हमारा जो सेकंड फेज है इसमें कोरिया जिला भी चिन्हांकित हुआ है और एक जिले में, हमारे जिले में 3 जगह को सिलेक्ट किया गया है सीएमएचओ स्तर से इसको चर्चा करके। इसमें एक हमारे मनेन्द्रगढ़ CSC को निर्धारित किया गया है, बैकुंठपुर ब्लॉक में पटना को और एक चिरमिरी डोमन हिल में निर्धारित किया गया है, जिसमें टीका जो कोविड वैक्सीन का जो कोविड वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम अभी चालू जस्ट लॉन्च होने वाली है उसके लिए ये रियल में जब हम टीकाकरण करेंगे तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, तैयारी के बारे में किसी भी प्रकार का हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर के साथ साथ जो हमारे बेनिफिशियरी होंगे, अभी तो पहला तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट के ही बेनिफिशियरी हैं। दंतेवाड़ा जिले में आगामी दिनों कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है, जिसको लेकर जिले में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें जिले में 3 सेंटर बनाए गए। तीनों सेंटर जिला अस्पताल के पास हैं और स्वास्थ्य अमला ने पूरी तैयारी कर रखी, जगह जगह पर टीम एम्बुलेंस लगाए गए हैं जिससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना वैक्सीन के लिए प्रचार किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अंतिम गाँव तक कैसे पहुँचाया जाए, दंतेवाड़ा कट्टे कल्याण कुआं खोड़ा गीतम चारो ब्लॉक में 14 कोल्ड चैन स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा BMO की देखरेख में सभी सेंटर तक पहुंचवाया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र सोनार बड़े लखा पाल चिकपाल जैसे क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन पहुंचवाना एक बड़ी चुनौती है। शासन प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बड़ी कार्यकर्ता हूँ वार्ड नंबर 15-2 से दंतेवाड़ा से। यहाँ COVID-19 का टीकाकरण हो रहा है और ये निगरानी कक्ष है, तो वहाँ अगर टीका लग रहा है तो यहाँ 30 मिनट तक इन लोगों को सर जैसे अभी लगावा के हैं तो इनको रखना है। अगर इनको अगर कुछ होता है तो हमें हॉस्पिटल तक लेके जाना है और अगर नहीं है तो इनको ये वाले रास्ते से घर जाना है। मेरा नाम नमंती जोशी है और मैं चिकनलंका उप स्वास्थ्य केंद्र से हूँ और आज हमारा यहाँ पे COVID-19 का ड्यूटी लगा है जो कि ये ऑब्जर्वेशन रूम है। और जैसे यहाँ पे कोई पेशेंट को टीका लगता है, टीका लगने के बाद हमारे ऑब्जर्वेशन रूम में हम जैसे कोई भी पेशेंट है उनका हम लोग टाइमिंग लिखते हैं, जैसे जो भी टाइम है 30 मिनट का, उसके बाद पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए 30 मिनट रखते हैं। अगर 30 मिनट में उनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एम्बुलेंस के द्वारा उनको रिफर करेंगे। अगर मान लो उस 30 मिनट में कुछ नहीं हो रहा उनको तो फिर उनको एंडिंग वाला एक रास्ता है, उसके थ्रू उनको घर जाने के लिए बोलेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष व रामगोपाल अग्रवाल व छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवागन बालोद जिला मुख्यालय बनने वाले नवीन राजीव भवन के लिए सुरक्षित भूमि का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करते हुए उन्होंने नया जोश भरा। गिरीश देवागन ने कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान केंद्र में पारित कृषि बिल से किसानों को होने वाली परेशानियों के विषय में जानकारी दी। वहीं रामगोपाल अग्रवाल ने केंद्र सरकार व छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा किसानों के साथ किए गए छलावे को आम जनता तक पहुँचाने की बात कही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद वहीं नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्षों व उपाध्यक्षों का भी बीच सभा में सम्मान किया। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद राजीव भवन निर्माण स्थल का जायजा लिया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के निर्माण के संबंध में एक आवश्यक बैठक थी, जिसमें हमारे साथ
माननीय रामगोपाल जी कोषाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी आए हुए हैं और जिला अध्यक्ष और विभिन्न अपने साथियों के साथ बैठकर विचार विमर्श करके नए कांग्रेस भवन बनाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। आयोजन बैठक हम लोगों का संयुक्त दौरा रहा माननीय गिरीश देवांगन जी और मेरा। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो नवनिर्माण होना है राजीव भवन का, जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय का वर्तमान का जो भवन है, उस भवन के साथ साथ आज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि समय जैसे जैसे बदल रहा है, आवश्यकताएं बदल रही हैं, उसके हिसाब से इसका विस्तारीकरण होगा कि नवनिर्माण होगा। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर लगातार 2 माह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसके समर्थन में छत्तीसगढ़ के 300 किसान दिल्ली कूच के लिए किसान 3 ट्रक कई कार से रवाना हुए। ट्रक में अपनी सारी व्यवस्थाएं, मोबाइल चार्जर, खाना, बिस्तर, हर चीज सुविधा के साथ आंदोलन में अपना समर्थन देंगे और केंद्र की सरकार के पास पहुंचकर किसानों की समस्या को अवगत करवाएंगे। इन 3 कृषि कानून किसान के हितकारी नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के किसान दिल्ली कूच के लिए आज रवाना हो रहे हैं। 300 किसान यहाँ पर शामिल है। ये केंद्र सरकार जो किसान के लिए जो बिल आई है, ये बिल में किसानों का बहुत नुकसान है। किसान जो चाह रही है वो देना चाहिए। किसान मांग करे कि हमको स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है, कमेटी की रिपोर्ट है, वो लागू कर दो किसानों के हित में, हमको उससे फायदा है। तो वो लागू ना करके बिना मांगे जबरदस्ती ये बिल थोपरी किसानों के ऊपर में, जिसका पूरा भारत के देश के किसान लोग विरोध कर रहे हैं। ये कानून हमको नहीं चाहिए। जब हमको नहीं चाहिए तो जबरदस्ती क्यों दे रहे हो आप? जो हमको चाहिए वो दीजिए आप। ये मांग है, काला कानून को हर हाल में वापिस करवाना है, इसलिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? नवाब जिलानी। मैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा किसान संघ का कार्यकर्ता हूँ और डोंडी लोहरा विधानसभा बालोद जिला का हूँ। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के किसान अध्यक्ष जो है वो हमारे साथ उपस्थित है। आप लोग आज दिल्ली कुछ कर रहे हैं? जी हाँ, काले कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ से काफी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। आज दूसरा जत्था भी जा रहा है और तीसरा जत्था भी शीघ्र जाएगा, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे वहाँ। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या क्या हैं? हमारा तीनों काले कानून वापस हो और MSP को कानूनी गारंटी दी जाए। कितने किसान भाई जा रहे हैं आप? अभी तो 100 से ऊपर पहुंच गया है। आज लगभग 100 के आसपास भी जा रहे हैं और निकट भविष्य में और जाएंगे। अभी बस हम लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। आपका नाम क्या है? पारसनाथ साहू, किसान नेता, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ। और कुछ लोग का किसान उपस्थित हैं, इनसे भी हम चर्चा करते हैं। किसान मोर्चा के लिए जो काले कानून बनाए ने वो दिन उसको रद्द कराने के लिए। क्या मांगे आप लोग की? हम लोग को भी मांगे काले कानून 3 वापस किए जाए, जो किसानों की मांग है वो दी जाए। आसमान की बेनती है मोदी जी से, इनकी बात मनी जाए। ये सब आम पब्लिक के लिए भी सही कानून नहीं है, सबके लिए गलत कानून बन गया। आपका नाम क्या है? बहादुर सिंह। 37 दिन का आंदोलन है जो जिसमें दिल्ली बॉर्डर को, सिंधु घाटी के बॉर्डर में बैठे हुए किसान भाई अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें शामिल होने के लिए आज छत्तीसगढ़ से 300 किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी के साथ यहाँ पर रवाना हो रहे हैं। मैं रायपुर से चित्रा पटेल के न्यूज। सीएम भूपेश बघेल आज राजू माता के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इसी के बाद उन्होंने कहा कि हमने धान खरीदी रुकने नहीं दी। सीएम ने भाजपा के आंदोलन पर कहा कि जो आंदोलन भाजपा यहां कर रही है वो आंदोलन दिल्ली में जाकर करें। राज्य में हर साल 7 जनवरी को राजिम माता के नाम से कार्यक्रम साहू समाज के द्वारा किया जाता है और बहुत बड़ा आयोजन होता है, और मेरा सौभाग्य हर साल मुझे शरीक होने का मौका मिलता है। तो सामाजिक समानता, भाईचारा, प्रेम और माता राजिम के जो योगदान है, जिसके नाम से राजिम शहर बना, और राजीव लोचन जी की बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति भी वहाँ है, मंदिर भी है, जहाँ लाखों श्रद्धालु वहाँ आते हैं, उस पुण्य स्थल पर जाने का अवसर मिलेगा।
खबर जगदलपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने स्वर्गीय जीतरू राम बघेल में निवास ग्राम मूली में उपस्थित होकर उनके परिवारजनों से मुलाकात की। मंत्री ने उनके परिवार की इस दुख की घड़ी में उस शोकाकुल परिवार को आगे बढ़ने की हिम्मत दी और साथ ही साथ उसी ग्राम मूली के धान खरीदी केंद्र में निरीक्षण करके किसान भाइयों की समस्याओं को भी सुना है। खबर रायपुर से, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी आरोप लगाने के सिवाय क्या कर सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार की नियत और नीति साफ है, इसलिए छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को आर्थिक रूप से स्वावलंबी मानते हैं। धीरे धीरे जो WHO का भी बयान आ रहा है, कंट्राडिक्शन है, और डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन्स के क्वालिटी और उनका इफेक्टिवनेस पे भी बहस चल रहा है। रहा सवाल कि प्रायोरिटी लिस्ट में जो सरकार ने तय किया है वो करे, एक ही सवाल है। मैं मानता हूँ कि जो गरीब लोग हैं आर्थिक रूप से, या आम आदमी जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा सकता है, उनको जैसे पोलियो का वैक्सीन फ्री दिया जाता था, उस तरह से दिया जाना चाहिए। इन की चुनाव में बिहार में वोट को लुभाने के लिए कह दे कि हम फ्री देंगे और दूसरे राज्य में पैसा लेके देंगे, ये जो नीति दोहरी नीति है, इसके खिलाफ भी देश की जनता। सुकमा जिले के सचिवों एवं रोजगार सहायकों के द्वारा धरना स्थल में शासन प्रशासन को सद्बुद्धि हेतु पूजा हवन यज्ञ करवाया गया। आपको बता दें, प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर सुकमा जिले के समस्त ब्लॉक कोटा छिंदगढ़ सुकमा में सचिवों का 26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद हड़ताल है। इस हड़ताल को समर्थन देने जिला के भाजपा नेताओं के साथ जिला भाजपा प्रभारी जगदीश रोहरा ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर इनका समर्थन किया। सुकमा ब्लॉक अध्यक्ष छोटू बारसे एवं रोजगार सहायक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हिडमा राम मरकाम ने बताया कि सचिव और रोजगार सहायक की हड़ताल से ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा, गोदान न्याय योजना, आवास, पेंशन, जन्म मृत्यु जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरीके से बंद हो गए। बावजूद शासन प्रशासन के द्वारा जायज मांगों के संबंध में विचार नहीं करने के कारण इसी से आहत होकर के प्रदेश के सचिवों एवं रोजगार सहायकों ने उग्र आंदोलन करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार को होश आएगा, सद्बुद्धि आएगा, हम सभी को उम्मीद है। उसके पश्चात भी नहीं होगा तो हमारा लगातार आपकी मांगे जायज हैं। भूपेश सरकार ने जितने वादे किए हैं एक भी पूरा नहीं हुआ है, और वो दिखता है आज आपके बीच में आके। ग्राम पंचायत स्तर पर जितनी भी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए अगर सबसे बड़ी कड़ी है तो ये दोनों कड़ी है, सचिव संघ और रोजगार सहायक। इनके बगैर योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सकता। पदाधिकारीगण, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आप सबके समर्थन में यहाँ पर आए हैं, और निश्चित तौर पे हम जहाँ तक देखते हैं, चाहे राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी योजनाएं जो आज हमको देखने को मिला है, चाहे जिला स्तर का CO हो या जनपद स्तर का CO, और जिले में अगर कलेक्टर का भी अगर सम्मान होता है, CO का भी सम्मान होता है, उसका अगर सही रूप में देखते हैं तो उसका मेन कर्ता धर्ता जो है ग्रामीण स्तर पे सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाला अगर कोई कड़ी है तो वो ग्राम पंचायत।
बटन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।